नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ में यरमता सिंह हूँ। नमसाई में मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने उप मुख्यमंत्री चाउना मैन और सांसद तापिर गाव की उपस्थिति में भारतीय जनता युवा मोर्चा BJYM की प्रदेश इकाई की बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई। कार्यक्रम में विधायक सह भाजपा के महासचिव जिंगनू नामचुम, BJYM के राष्ट्रीय सचिव ज्योति हजारिका, BJYM के प्रदेश अध्यक्ष राम ताजो, स्थानीय विधायकों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। नरेंद्र मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने और राज्य में पेमा खांडू सरकार के 7 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में BJYM हर जिलों में 12 से 23 जून तक बाइक यात्रा का आयोजन करेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि भारत में काम करने वाली सभी कंपनियों को भारतीय कानूनों का पालन करना होगा। श्री चंद्रशेखर ने कहा कि ट्विटर के पूर्व CEO जैक डोर्सी का यह दावा करना सरासर झूठ है कि भारत ने ट्विटर को बंद करने की धमकी दी थी। उन्होंने कहा कि डोर्सी और उनकी टीम के नेतृत्व में ट्विटर भारतीय कानून का बार बार और लगातार उल्लंघन कर रहा है। वास्तव में वे 2020 से 2022 तक बार बार कानून का पालन नहीं कर रहे थे और ये केवल जून 2022 था जब उन्होंने अंततः अनुपालन किया। मंत्री ने कहा कोई जेल नहीं गया और न ही ट्विटर बंद हुआ। राजधानी ईटानगर प्रशासन ने निर्माणाधीन सड़क और भारी भूस्खलन के कारण बंदरदेवा और निर्जुली नेशनल हाईवे 415 पर भारी वाहनों की आवाजाही हरमुती की ओर डायवर्ट कर दिया है। बंदरदेवा सर्कल ऑफिसर तोको अनु ने सोमवार को यातायात परामर्श जारी करते हुए कहा कि जोखिम की स्थिति को देखते हुए बंदरदेवा से ईटानगर और नाहरलगन आने वाले भारी वाहनों को 12 जून से 12 जुलाई तक हरमुती गुमतो दोईमुख की ओर मोड़ दिया है। रैली ऑफ अरुणाचल 2023 का आज शुभारंभ किया गया। इसमें 51 ड्राइवर और नेविगेटर हिस्सा ले रहे हैं। यह रैली इंटरनेशनल रैली चैंपियनशिप के 5वें संस्करण का हिस्सा है। इस रैली में अरुणाचल से हागे चादा और को ड्राइवर JGM सिंगफो भाग ले रहे हैं। मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए अरुणाचल के मोटर स्पोर्ट्स क्लब के आयोजक लकपा सेरिंग ने बताया कि KFC एरिया अंडरपास और पेट्रोल पंप पर 14 जून की रात 8 बजे सुपर स्पेशल स्टेज का मंचन किया जाए। रैली 14 से 16 जून को होलंगी से ईटानगर और याजाली से जीरो तक आयोजित किया जाएगा। वेस्ट जिले के कम्बा राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सोमवार को जिला स्तरीय युवा उत्सव 2023 का आयोजन किया गया। कपड़ा उद्योग और कौशल विकास मंत्री तुमके बागरा व सियांग जेटपी सी तुमके अत और JPM दामले नीरी कार्यक्रम में मौजूद थे। युवा उत्सव 2023 का आयोजन युवाओं को प्रोत्साहन और सशक्त कर उन्हें राष्ट्र निर्माण में सक्रिय साझेदार बनाना है। कार्यक्रम में 500 युवाओं और छात्रों ने भाग लिया। लेखक रिंचिन नीमा और रिंचिन दौरजी, तिरंग विधायक फुलपा सेरिंग द्वारा वित्त पोषित तथा पर्यावरण एवं वन मंत्री मामा नातुंग द्वारा प्रकाशित एक वन्यजीव पत्रिका विस्परिंग फॉरेस्ट मॉन्यूल का रविवार को विमोचन किया गया। राज्य वन्यजीव बोर्ड सदस्य कर्मा सेरिंग, सूरज तायाम और एयर गन सरेंडर अभियान टीम से दौरजी सेरिंग और लेकी वांगदा अन्य लोगों के साथ विमोचन कार्यक्रम में उपस्थित थे। रुंगला राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कल फाउंडेशन फॉर एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट ने सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर एक करियर काउंसलिंग कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में KGBV विद्यालय लुंगला, जमसे गत्सेल चिल्ड्रन कम्युनिटी और राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लुंगला के 240 छात्रों ने भाग लिया। अपर उपायुक्त लुंगला ताशी दोंदू, 67 BNSSB के सहायक कमांडेंट दीपक, 1st मराठा रेजिमेंट के मेजर कार्तिक पुजारी सहित कई पैरामिलिट्री और सशस्त्र बल मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 70,000 नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। उन्होंने इस अवसर पर कर्मचारियों को संबोधित भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत आज एक दशक पहले के मुकाबले अधिक मजबूत, सुरक्षित और शक्तिशाली देश है। उन्होंने कहा कि भारत अपनी राजनीतिक स्थिरता, दृढ़ संकल्प, सरकार और प्रगतिशील सुधारों के लिए जाना जाता है। ये रोजगार मेले देश भर में 43 जगह पर आयोजित किए गए हैं। केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के साथ साथ राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में भी बड़े पैमाने पर नियुक्तियाँ की गई है। नए कर्मचारियों को वित्तीय सेवा विभाग, डाक विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, रक्षा मंत्रालय, राजस्व विभाग, स्वास्थ्य मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, रेल मंत्रालय, लेखा परीक्षा लेखा विभाग और गृह मंत्रालय सहित विभिन्न विभागों में नियुक्त किया जाएगा। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।